नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना ज्योतिषी मित्र मानविंदर रावत, और आज हम आपको एक बड़े महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराएंगे। आज हम आपको जानकारी देंगे कि यदि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न के अनुसार आपका मंगल आपको कैसा रिजल्ट देगा। ये प्रश्न बहुत बार हमारे सामने आता है। बहुत सारे लोगों के मन में बार बार ये भाव उठते हैं कि गुरुदेव, हम मंगल से बड़े परेशान हैं, मंगल हमारे को अमंगल कर रहा है। अभी हम कैसे जाने कि मंगल हमारा अच्छा है या बुरा है, ये विषय है समझने का। तो आज की इस वीडियो से आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हो, और साथ में आप खुद भी अपने भविष्य को मेरी इस प्रेडिक्शन के माध्यम से समझ सकते हो। दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और लोगों को प्रेरित करें। बहुत ज्ञानवर्धक बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। वृश्चिक लग्न, जी हां, मंगल की राशि। अब मंगल तो साहस पराक्रम के देवता हैं, मंगल के पास तो ऊर्जा है, मंगल व्यक्ति को बेल्ट की नौकरी कराते हैं, मंगल तो व्यक्ति को आईएएस आईपीएस और मंत्री मिनिस्टर गवर्नर तक भी बनाते हैं, और मंगल व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से भी जोड़ते हैं। अगर आपके पास साहस ना हो तो आप अपने जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, ये एक परम सत्य है। तो दोस्तों, आज आपको यही बताऊंगा कि मंगल आपके सामने एक डिस्प्ले में यहां पर कुंडली लगी हुई है, उस कुंडली में आप स्पष्ट रूप में देख सकते हैं जहां पर 8 नंबर लिखा है वो है वृश्चिक राशि, और वो जो बॉक्स है ना खाना, उसको बोलते हैं लगन शरीर, और उस 8 नंबर के स्वामी मंगल है। जहां पर आपको दिख रहा है 9 नंबर लिखा हुआ है इस कुंडली में, जो हमने डिस्प्ले के लिए लगाई है, वो है धनु राशि, और उस घर के स्वामी है गुरुदेव, क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, और वो घर है पैसे का, परिवार का, आपकी वाणी का, आपके चेहरे की रूप खूबसूरती का। अब ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग भावों के पास हो जाते हैं। जैसे जहां आप देख रहे हैं 7 नंबर लिखा हुआ, 7 नंबर मतलब तुला राशि, यानी कि लॉर्ड हो गए शुक्र, अब वो घर है खर्च का, व्यय स्थान है, मोक्ष का भी है, तो यानी कि खर्चे व्यय ये सब चीजें किसके पास आ गई, शुक्र के पास आ गई। अब मंगल शुक्र को अपना मित्र मानते हैं या शत्रु, मंगल गुरु को मित्र मानते हैं या शत्रु। अब मंगल तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कहीं भी बैठे हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का संचार तो राउंड द क्लॉक हर समय चल ही रहा है। अब मंगल आपके 8 नंबर में भी बैठे हो सकते हैं जहां ये लिखा है, यानी कि प्रथम भाव में। मंगल आपके 11 नंबर में भी बैठे हुए हो सकते हैं, मंगल आपके 2 नंबर में भी बैठे हुए हो सकते हैं, मंगल तो कहीं भी बैठ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस समय वो किस राशि में चल रहे थे, तो क्या फल मिलेगा, ये प्रश्न मन में आता है। आज मैं आपको बहुत गहराई के साथ में पूरी जानकारी दूंगा मंगल के 12 भावों के फल, यानी कि इन सभी 12 भावों में मंगल को हम बैठाएंगे और फिर फल को कैलकुलेट करेंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि मंगल उच्च का होगा तो कैसा फल देगा, मंगल नीच का होगा तो कैसा फल देगा, और मंगल मित्र राशि में होगा तो कैसा फल देगा, इसी के आधार पर रिजल्ट कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, तो ही आपको एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। अब आप स्किप कर करके आगे बढ़ा बढ़ा के अगर देखते हो तो फायदा नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वृश्चिक लग्न में मंगल ग्रह के पास खुद की जो जिम्मेदारी होती है वो 2 स्थान की होती है। एक तो होता है प्रथम भाव जहां 8 नंबर लिखा है, और दूसरा जहां पर 1 नंबर लिखा है वो स्थान भी मंगल का होता है, यानी कि रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, अपयश, धन की हानि, कर्जा, ये मंगल के पास आ गया, और आपका मान सम्मान भी मंगल के पास आ गया। अब इन 2 चीजों को लेकर के मंगल बैठेगा तो इन 2 चीजों का फल भी देगा, स्थानों का, और साथ में जहां बैठेगा वहां का भी फल देगा। तो आपको 3 प्रकार का फल अब मिलने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना मित्रों, शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको प्रथम भाव में मंगल का फल बताता हूं। तो यहां पर मंगल के बैठने से एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बन जाएगा। अब ये रुचक राजयोग क्या होता है,
ज्योतिष शास्त्र में पांच प्रकार के महापुरुष राजयोग होते हैं, जिसमें से एक मंगल से ही बनता है। अगर ये राजयोग बनता है तो व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ वृश्चिक राशि में प्रथम भाव में मंगल ग्रह के बैठने से ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है, उद्यमशील होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, वाणी में ओज होता है, बॉडी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, शारीरिक शक्ति अच्छी होती है और रुचक राजयोग के द्वारा ऐसे व्यक्ति जीवन में रूल करता है। अब रूल कब करेगा? जब मंगल की दशा आ जाएगी। अब मंगल यहाँ प्रथम भाव में बैठ गया, पर ये पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। यदि ये पाप प्रभाव में हुआ, अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हुआ, तो ये मंगल आपके लिए अमंगलकारी हो सकता है, अन्यथा इससे अच्छा मंगल नहीं होगा कोई भी। वैसे तो यहाँ एक मंगलिक दोष भी बनेगा और मंगलिक दोष के कारण क्रोध बढ़ता है, मंगलिक दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश आता है। अगर आपका इस प्रथम भाव में मंगल बैठा है तो विवाह में विलंब होता है, पर ये आपको उन्नति बहुत देगा। इस मंगल की दशा में आप अपने पराक्रम से, अपने व्यक्तित्व से अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, बहुत ऊंचाइयों पर आप पहुंचेंगे ऐसा योग। और आपके शत्रु भी उच्च कोटि के होंगे, आपकी दुश्मनी भी बड़े लोगों से होगी, छोटे मोटे लोगों से नहीं उलझोगे आप, और आप अपने दुश्मनों पर हावी भी रहोगे, यानी कि उनको परास्त भी करोगे, ऐसा ग्रह योग भी बन रहा है। यानी कि आपको व्यवसाय में विघ्न बाधाएं जरूर आएंगी, परंतु आप अंततः निकल जाओगे। दोस्तों, मंगलिक दोष के कारण इसका एक दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, एक दुष्प्रभाव आपके माँ के घर पर पड़ेगा, यानी कि माता के साथ आपकी नहीं बन पाएगी, ऐसा योग बनेगा। अब यहाँ पर अगर मंगल की और गुरु की युति हो गई, यानी कि ये दो प्लैनेट आपके जन्म पत्रिका में एक साथ बैठ गए और इसी भाव में बैठ गए, प्रथम भाव में जहाँ पर आठ नंबर लिखा है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत मेधावी हो जाते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो काफ़ी गुणी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं। और यहाँ पर मंगल शुक्र का यदि योग बन गया, आप सोच रहे होंगे मैं मुस्कराया क्यों। देखिए, मंगल शुक्र की जो युति होती है ना, ये व्यक्ति को भटका देती है रास्ते से, ये कामुकता बढ़ा देती है, और ऐसा व्यक्ति क्रय विक्रय पर बहुत अच्छा कर लेता है। हॉस्पिटैलिटी लाइन में ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिल जाती है, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, फिल्म लाइन में, ऐसी चीज़ों में हो जाती है उसकी रुचि, और काफ़ी वो लग्जरी लाइफ जीता है फिर ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति खर्चे भी बहुत अधिक करता है। अब यहीं पर ये मंगल शनि की युति हो जाए, यानी कि इसी प्रथम भाव में आठ नंबर में मंगल शनि बैठे या मंगल राहु बैठे, तो मंगल शनि की युति बड़ी खतरनाक होती है। मंगल राहु का तो अंगारक दोष बनता है, तो ऐसा व्यक्ति राजयोग को प्राप्त करते हुए भी अपना जीवन संघर्ष में निकालता है, क्योंकि प्रथम भाव में शनि आ गया तो मंगल को पीड़ित कर दिया, राहु आ गया तो मंगल को पीड़ित कर दिया। तो ये है प्रथम भाव का रिजल्ट। आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना, और नहीं सुना तो एक बार फिर से रिपीट करके इसको आप सुन सकते हो। सेकंड हाउस, अब आपका मंगल बैठ गया नौ नंबर राशि के अंदर जाकर के। अब नौ नंबर तो गुरु की है, उसके मित्र की राशि है, और क्या लेके बैठा? मान सम्मान, यश वैभव, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये लेकर के जाकर के महाराज बैठ गए आपके पैसे के घर में, और रोगेश होकर के भी बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी वाणी से बड़े प्रभावशाली रहोगे। एक होता ना व्यक्ति की वाणी में करंट होना, मतलब आप अपने शब्दों से सामने वाले व्यक्ति का दिल जीत लोगे और उसको दबा भी दोगे अपने शब्दों से। शिक्षित अच्छे हो जाओगे, बुद्धिमान अच्छे हो जाओगे, दृढ़ निश्चयी हो जाओगे, और बाहर से देखने में कठोर लगोगे पर अंदर से सॉफ्ट रहोगे। और इसके अलावा, परंतु यहां पर छठे भाव का रोग का स्वामी होकर के परिवार के घर में आके बैठा है, धन के घर में बैठा है, तो आपका जो पैसा है ना वो बीमारियों पर खर्च होता रहेगा, ऐसा एक योग बनेगा। मंगल की यहां सेकंड हाउस में बैठ करके जो चौथी दृष्टि है वो संतान के घर में आ रही है, अच्छा नहीं होता। संतान के घर को अगर मंगल देखता है तो संतान से भी कष्ट कराता है। और इसकी जो एक दृष्टि है वो आ रही है आपके आयु के घर में, और एक दृष्टि आ रही है भाग्य के घर में, तो अब भाग्य के घर को देखेगा तो भाग्य को पीड़ित करेगा। अष्टम दृष्टि से भाग्य को देखेगा, कर्क राशि को देखेगा, नीच राशि को देखेगा, यहाँ चार नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि है, यानी कि भाग्य की हानि करेगा, आपसे मेहनत बहुत कराएगा, आपको अपने जीवन में कठिनाइयाँ बड़ी फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो रोगेश है,
रोगेश होकर के आपके धन के परिवार के घर में आया, फिर वहां से अष्टम दृष्टि से वो कर्क राशि को नीच राशि को देख रहा है, तो रिजल्ट ही नहीं आने देगा, परेशानी बड़ी यहाँ पर उत्पन्न कर देता है, तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए सेकंड हाउस का बैठा हुआ मंगल व्यक्ति से मेहनत ज़्यादा कराता है, परिश्रम ज़्यादा कराता है, दृढ़ निश्चय जरूर करा देता है, ऐसा व्यक्ति सोच समझ के कार्य करता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा सेकेंड हाउस में बैठने का एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि उसको उच्च विद्या की प्राप्ति हो जाती है, उसको भूमि संतान का जो सुख है वो प्राप्त होता है, पर थोड़ा सा संतान के साथ में मतभेद रहते हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि संतान के घर में जो दृष्टि आ रही है मंगल की चौथी, वो मित्र राशि पर ही आ रही है, गुरु की राशि पर आ रही है, तो इसलिए ऐसी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं होती है। अब बस यहाँ पर एक पाप प्रभाव में आ गया, मान लीजिए सेकेंड हाउस में बैठ करके राहु शनि के प्रभाव में आ गया, तो एक परिवार को तो डिस्टर्ब करेगा ही, आपके खुद के परिवार के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं रह पाएंगे, ऐसा भी एक ग्रह योग यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब यही मंगल आपका थर्ड हाउस में बैठा हो, अब थर्ड हाउस में जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये 10 नंबर राशि में चला गया और उच्च का हो गया, जहाँ पर 10 लिखा हुआ है। पर थर्ड हाउस होता है साहस पराक्रम का होता है, गायन का होता है, हस्तकला का, शिल्प कला का होता है, गले का होता है, पर मंगल उच्च हो रहे हैं, मंगल का उच्च होना तो अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधी सी बात है, पराक्रम के घर में ऊंच होगा तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो आपको बनाएगा ही, और आपको बहुत साहसिक बनाएगा और आपको भ्रमणशील बना देगा, आप एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाओगे, आप भ्रमण बहुत करोगे, आपको भूमि का, वाहन का, इस प्रकार के जो सुख होते हैं ना, उससे आप काफ़ी ज़्यादा युक्त रहोगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है, ये बहुत ध्यान से सुनना, मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर आ रही है, और इस घर पर आना, अपनी राशि के ऊपर आना, ऐसी स्थिति में ये आपके दुश्मनों का दमन करेगा, दुश्मनों को डाउन करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इसकी जो नीच दृष्टि भाग्य के घर पर आ रही है कर्क राशि पर, तो भाग्य की हानि करता है, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने देता, आपके विशेष रूप से जो उत्तम विद्या होती है, बड़ी स्टडी होती है, उसमें बाधा पहुंचाता है, और आप अपने गुणों का अतिव्यय करते हैं, यानी कि आप दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए ज़्यादा कार्य करना पसंद करते हैं, और आपकी सोच परोपकारी हो जाती है, आप सहायक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ऐसा एक योग यहाँ पर बनता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इनकी दृष्टि आ रही है अष्टम दृष्टि, वो जा रही है मित्रों आपके कैरियर के घर में, नौकरी के घर में, तो यहाँ पर मंगल का देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब ये कैरियर को देखते हैं, मित्र राशि को देखते हैं, तो यानी कि कैरियर को भी संतुलित कर देते हैं। बस ये नकारात्मक प्रभाव में यदि नहीं हुए तो बात अलग है, अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गए तो दिक्कत देते हैं। इसी प्रकार से मंगल आपका अगर चतुर्थ भाव में बैठा है, तो यहाँ बैठ करके मंगल आपको एक तो केंद्र में आ गया, कुंभ राशि में आ गया, और आपका लग्नेश होकर के आ गया, तो माता के साथ नहीं बनने देगा, उनके साथ आपका व्यवहार काफ़ी ख़राब रहेगा, आप स्वाभिमानी रहोगे, भ्रमणशील रहोगे, उच्च अभिलाषी रहोगे, कठोर स्वभाव के रहोगे, ज़्यादा झुकना दबके रहना पसंद आपको नहीं होगा, भूमि वाहन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी राजनीति इस प्रकार के जो सुख होते हैं वो आपको अर्जित करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और मंगल ग्रह के द्वारा यहाँ चतुर्थ भाव में यानी कि इस 11 नंबर में बैठने के कारण मंगलिक दोष भी बनेगा, और मंगल की जो दृष्टि है वो आपकी पत्नी के घर पर भी रहेगी, आपके पति के घर पर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन को भी ये डिस्टर्ब करते हैं, और कैरियर के लिए ये अच्छे हो जाते हैं, और साथ में इनकी अष्टम दृष्टि आपके लाभ के घर पर आएगी, तो बड़े भाई बहनों के साथ नहीं बनने देते और लाभ को ये संतुलित रखते हैं, ऐसा एक ग्रह योग यहाँ पर अवश्य बनता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य पीड़ा आपकी मदर की विशेष रूप से खराब होती है, क्योंकि ये छठे भाव के रोगेश होकर के आपकी हेल्थ के घर में गोचर करते हैं। अब इसी प्रकार से यही मंगल आपका बैठ जाए फिफ्थ हाउस में, अब यहाँ बैठेगा तो मीन राशि में आ जाएगा, और आपका लग्नेश होकर के आपकी वृश्चिक राशि से ये फिफ्थ राशि में चला जाएगा, यानी कि मीन में, और संतान के बुद्धि के उन्नति के इस घर में आकर के ये यहाँ पर बैठेगा, तो आपकी बुद्धि तो बड़ी शार्प माइंडेड कर देगा, आपको लॉजिकल सोच दे देगा,
और बुद्धि पे बैठा है तो शॉर्ट टेम्पर आपको जल्दी आएगा, यानी कि आप गुस्सा बहुत जल्दी करने लगोगे, और विघ्न बाधाओं के बाद भी आप उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लोगे, ऐसा आपका योग बनेगा। शत्रु का और गुप्त जो आपके शत्रु होते हैं इनके द्वारा आपको कष्ट होगा और आपको व्यवसाय के अंदर सफलता मिलेगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर सफलता मिलेगी, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि मंगल की युति कैसे ग्रह के साथ हो रही है। मान लो गुरु के साथ हो गई तो अध्यात्म में भी ले जाएगा, और शुक्र के साथ हो गई, गुरु के साथ हो गई तो आपको सीए बना देगा, बहुत अच्छा, ऐसा भी योग बनाता है। मार्केटिंग के फील्ड में भी आपको लेके चला जाएगा, या कोई बड़ा उच्च स्तरीय नौकरी आपको लगा देगा, ऐसा योग बनता है। अगर सूर्य के साथ बैठ गया तो आपका सूर्य तो कैरियर का लॉर्ड है, जहाँ 5 नंबर लिखा है, सरकारी नौकरी का लॉर्ड है, सरकारी नौकरी का लॉर्ड होकर के 5th हाउस में आएगा, मंगल के साथ बैठेगा, इस 12 नंबर के अंदर बैठेगा, तो यहाँ पर तो और अच्छा योग बन जाएगा, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हो और आपको उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होगा। अब बड़े उच्च प्रतिष्ठित लोगों से भी आपके यहाँ पर संपर्क बनेंगे। इसी प्रकार से यदि यही मंगल आपका 6th भाव में चला जाए, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है, अब यहाँ मंगल बैठेगा तो स्वग्रही हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि मंगल अपने घर में बैठा है, खुद के घर में बैठा है। तो यहाँ शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, बट आपके जीवन को जरूर थोड़ा परिश्रमी ज़्यादा बना देगा, क्योंकि ये लग्नेश भी आपकी कुंडली का मालिक भी है ये, और फिर ये 6th भाव में जा करके बैठा है, तो ऐसे में आपको धैर्य तो देगा, आपको पाचन शक्ति भी अच्छी देगा, पर आपको चीज़ों को अर्जित करने में ना, प्राप्त करने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा एक योग बनाता है ये। ज़्यादा स्ट्रगल कराएगा, विघ्न बाधाएं ज़्यादा देगा, उसके बाद आप सफल होगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि मंगल शुक्र की युति हो गई तो आप संगीत में आगे बढ़ सकते हो, आप खाने पीने के शौकीन ज़्यादा रहोगे, और यहाँ मंगल राहु का योग बन गया तो शत्रु आपको हानि पहुँचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से आपको सदा भय बना रहेगा, शत्रु आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको रक्त संबंधी विकार, आपको मस्तिष्क संबंधी पीड़ा, ऐसी सब चीज़ें बराबर मात्रा में लगी रहेंगी। यही मंगल अगर आपका 7th भाव में जाकर के बैठ जाए, जो कि दाम्पत्य जीवन का घर होता है, तो यहाँ ये वृष राशि में बैठेगा, 2 नंबर के अंदर बैठेगा, सम राशि के अंदर बैठेगा, मंगलिक दोष बनाएगा, आपका जीवन साथी आपको प्रभावशाली मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके 7th दृष्टि से आपकी लगन राशि वृश्चिक को 8 नंबर को देखेगा। अपने घर को कोई भी ग्रह देखता है तो सम्मान बढ़ा देता है, तो आपका मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, और इसके अलावा आप स्वयं भी बहुत उद्यमशील पराक्रमी प्रवृत्ति के रहोगे, त्यागी किस्म के रहोगे, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनेगा। व्यवसाय में ज़रूर आपको बाधाएं यहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न होंगी, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल पाएगी, लेन देन के मामले या साझेदार के साथ यदि आप मिलकर के काम करते हो पार्टनरशिप में, तो उसमें आपको निश्चित तौर पर नुकसान होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन अर्जित करने में आजीविका के का जो स्थान है हमारा, ये 7th हाउस, यहाँ पर ये मंगलिक दोष बना है, यहाँ पर मंगल का बैठना, एक तरीके से आप अपने जीवन साथी से अलग रह करके भी अपना जीवन यापन करोगे, या आप दोनों के बीच में तकरारबाजी ज़्यादा बनी रहेंगी, और इसके लिए आपको मंगल दोष की पूजा करवानी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर यहाँ मंगल शनि बैठ गए या मंगल राहु बैठ गए इधर ही 2 नंबर में, और सामने से सूर्य देख रहे हों लगन में बैठ करके, तो ये तलाक का भी योग बना देता है, तो ये मैरिज लाइफ को नहीं चलने देता, डिवोर्स हो जाता है ऐसे लोगों का, स्त्री सुख में पुरुष सुख में कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यही मंगल अगर आपका 8th भाव में चला जाए तो भी मंगलिक दोष बनेगा, क्योंकि 8th भाव से भी बनता है। अब यहाँ मंगलिक दोष से ज़्यादा खराब बनेगा, क्योंकि ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, मंगल ग्रह 3 नंबर के अंदर आ जाएंगे, अब लग्नेश होकर के ये 8th भाव में होंगे, और रोगेश होकर के, यानी कि ये 6th भाव के भी स्वामी है, जहाँ 1 नंबर लिखा है, तो लग्नेश और रोगेश अगर 8th भाव में आ जाए, और वो भी शत्रु राशि में बुध की 3 नंबर में, तो ये अच्छा फल नहीं देता, ये परेशान करता है, आपके मान सम्मान में भी कमी करेगा, इसके अलावा रोग आपको प्रचुर मात्रा में लगे रहेंगे, आपको परेशानी आएगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। पर आपको गुप्त तरीके से पैसा आएगा, शॉर्टकट से पैसा आएगा, जो लोग गुप्त ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड भी काम करते हैं उन लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा,
अष्टम भाव का मंगल ये फल अवश्य यहाँ पर आपको प्रदान करेगा, बट ओवरऑल ये अच्छा नहीं है। ये आँखों का कष्ट, मस्तिष्क विकार, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम देना बीमारी के रूप में, और मांसपेशियों में दिक्कत आना, सर दर्द बराबर बने रहना, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर ये बना देता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा, जैसे मधुमेह हो गया, चेचक हो गया, पथरी हो गई, ऐसी सब बीमारियाँ भी यहाँ पर बनाता है। अब मंगल की यहाँ से दृष्टि भी जा रही है बड़े भाई के घर में, बड़े भाई के साथ नहीं बनने देगा। मंगल की यहाँ से एक दृष्टि जा रही है परिवार के घर में, परिवार के साथ भी आपकी कम बनेगी, परिवार भी में कई के सदस्य भी आपके रोगग्रस्त रहेंगे। और मंगल की दृष्टि जा रही है छोटे भाई बहन के भी घर में, यानी कि छोटे भाई बहनों को भी कष्ट होगा, आपकी कुंडली से होगा, उनके साथ आपका 36 का आंकड़ा रहेगा। इसी प्रकार से यही मंगल आपका नवम भाव में जाकर के बैठ जाए, तो जो 9th हाउस होता है वहाँ लिखा है चार नंबर। चार नंबर का मतलब होता है कर्क राशि, यानी कि नीच के हो जाएंगे जब मंगल यहाँ आएंगे। लग्नेश नीच आपका, और साथ में रोगेश भी नीच, और वो भी भाग्य का घर, भाग्य की हानि होना, मेहनत ज़्यादा करना, उसके अनुकूल फल कम मिलना, आपका जीवन स्ट्रगल में निकलेगा। आप बहुत ज़्यादा चुनौतियों आपको जीवन में अपने फेस करनी पड़ेंगी, जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से फल नहीं मिल पाएंगे। पिता के लिए आप की कुंडली हानिकारक हो जाएगी, आपको कमर दर्द की शिकायत बराबर बनी रहेगी। आप बुद्धिमान रहोगे, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं करता, मैं ये भी बोलूँगा तीव्र बुद्धि के भी रहोगे, परंतु आपको कष्ट बराबर यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह नीच हो गए तो दिक्कत देता है, ये विचारों को स्थिर नहीं रहने देता, आप में मैं का भाव ज़्यादा रहेगा, और आप भाग्य के भरोसे ज़्यादा आपको नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। यही मंगल आपका कर्म भाव पर बैठ गया, जहाँ पर लिखा है 5 नंबर, यहाँ अच्छा रहेगा मंगल, क्योंकि आपकी लग्नेश होकर के कैरियर पर आ गया, और ज्योतिष के नियम के अनुसार यदि लग्नेश कैरियर में हो तो ये कैरियर को उदय करता है, तो यानी कि आपका कैरियर बलवान होगा, आपके कैरियर का उत्थान होगा, आपकी इच्छाओं की ये पूर्ति करेगा, आपको सरकारी नौकरी भी लगा देगा ये, अगर आपका जहाँ ये 5 नंबर में आकर के बैठेगा। और इस 5 नंबर का लॉर्ड सूर्य होता है, यदि सूर्य भी आपके कुंडली में बलवान हुआ और मंगल तो मित्र राशि में बैठ ही गया, तो आपको सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आपका कर्म मेहनती परिश्रमी रहेगा, आप मेहनत करके पैसा कमाने में विश्वास रखोगे, आपकी एक सोच रहेगी कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है, भाग्यशाली भी रहोगे और प्रशासनिक सर्विस आप प्राप्त कर लोगे, या आप आईटी सेक्टर में चले जाओगे, टेक्नोलॉजी से आप जुड़ जाओगे, ऐसे ग्रह योग बनेंगे। इसी प्रकार से यही मंगल अगर आपका लाभ स्थान में जा करके बैठ जाता है, जहाँ 6 नंबर लिखा है, तो लग्नेश होकर लाभ में बैठा है तो लाभ तो देगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर अत्यधिक बाधाएं होती है ना, जो संघर्ष होता है, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ तो आपका निश्चित तौर पर तनाव बराबर बना ही रहेगा, उनके साथ आपकी बन नहीं पाएगी। बस अगर इस घर का मालिक, क्योंकि यहाँ ये 6 नंबर में बैठेंगे और इसका बुध बनता है लॉर्ड, अगर बुध बलवान हुआ तो चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, अन्यथा आपको विदेशों से संबंधित कार्य में भी पीड़ा आएगी, आपके काम नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य की भी हानि लगी रहेगी और आपका पेट भी खराब रहेगा, ऐसा भी योग बनेगा यहाँ पर। यही मंगल आपका 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए 12th हाउस में, तो हम बोलेंगे तुला राशि में आ गया, कामातुरता योग बनाता है, मंगलिक दोष यहाँ पर ये बनाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा देते हैं। अगर यहाँ मंगल के साथ 7 नंबर राशि में शुक्र बैठा हो तो हम बोलेंगे शुक्र स्वयं राशि का हो गया, मंगल के साथ बैठा है तो आपके मन का भटकाव ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी पत्नी का लॉर्ड होकर के 12th हाउस में चला गया और मंगल के साथ बैठ गया, और यहाँ पर अगर बुध भी बैठ गया साथ में, यानी कि मंगल की, शुक्र की और बुध की युति बन गई इस 7 नंबर राशि के अंदर 12th हाउस में, तो 100% आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या चल रहा होगा, आप ये बोल सकते हैं या आप अपनी खुद कुंडली में देख भी सकते हैं। और खुद के स्वयं की जो स्त्री का सुख है वो यहाँ पर वीक हो जाता है, और साथ में आपके खर्चे अधिक होंगे, खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, मंगल इस 12th हाउस में बैठता है तो व्यय ज़्यादा कराता है। तो दोस्तों ये है यहाँ पर मंगलिक दोष का सभी 12 भावों के अंदर फल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करूँगा, नमस्कार।